Hi guys, welcome to my channel. शान बैठोगे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मुझे बहुत सारी एक्सपी चाहिए होगी मेरे बो को एनचेंट करने के लिए, आई मीन कंबाइन करने के लिए। तो मुझे एक्सपी मैंने 64 कर ली। मुझे लिटरली पूरा हफ्ता लग गया, आई मीन माइनक्राफ्ट का मैं पूरा 2 दिन खेलता रहा, तब जाके मेरे को पूरी की पूरी एक्सपी मिली। तो मैंने अपने बो को कंबाइन कर लिया। एक विज भी आई थी हमारे गांव में, वो वाले साइड में वो, तो मैंने उसको मारा तो मेरे को ये दिया। मैंने उसका वीडियो भी शूट किया था, यूट्यूब पे भी डाला था, और वो फेल हो गया। मुझे लगा फेल्ड हो गया, वो ऊपर से चला गया यहाँ से, तो मुझे लगा वो हो गया होगा डन, क्योंकि कुछ 4-5 MB का था तो जल्दी से हो गया होगा, मुझे ऐसा लगा। वो वीडियो फेल हो गया और मैंने अपने वीडियोस में से भी वो डिलीट कर दिया। बाद में मैंने देखा कि मेरा वीडियो पहुंचा कि नहीं, कितने व्यूज़ आए, तो देखा तो वीडियो फेल हो चुका था और मैंने अपने वीडियोस में से भी वो डिलीट कर दिया था। मैं इतना होशियार हूँ, घाई बहुत है मेरे अंदर। तो ये मैंने कौन सा बोली है, हाँ इन्फिनाइट इन्फिनिटी। तो मैंने अपने बो को कंबाइन कर लिया है, इसमें नहीं है, ये देखो। इसको कंबाइन करने के लिए मैंने बोला था कि 64 से आगे लगेंगे, मैंने 64 कर लिया। और इसकी लेवल बताई, सिर्फ वो फ्लेम और वो लगाने के लिए मुझे 128 लगे लेवल्स, 128 एक बार में। और दूसरी बार जब करना था, मतलब शायद से अनब्रेकिंग की कुछ तो भी लगानी थी मेरे को वो पे, तो वो भी सो एक्सपेंसिव दिखा रहा था, तो मैंने क्या किया, फिर से 64 कर ली। मेरे 28 तो ऐसे ही चली गई, तो मैंने 64 फिर से की। उसकी दिखाई 208, मतलब 208 लेवल दिखाई। मुझको फिर से बहुत सारे मॉब्स मारने पड़े। मैं 4 दिन से फिर माइनक्राफ्ट में सोया नहीं, बहुत सारे फैंटम्स भी आए थे। जब भी फैंटम्स आके मेरे को बजाते थे, मैं शील्ड एक तो ऐसे कर देता था या तो पीछे से मारते थे तो जाके सो जाता था। ज़्यादा दिन नहीं आए, सिर्फ लास्ट वाले 4th डे पे आए, मैं जल्दी से सो गया। फिर शायद से आज भी आएंगे, इसलिए मैं सबसे पहले सो जाता हूँ। अरे विलेजर मैंने इस पर क्यों सोया था है? क्या वैसे है क्या तेरे पास, सोए हुए विलेजर को उठा के उससे ट्रेड कर रहा, कुछ भी नहीं तेरे पास, हड़ बस सोने। हाँ तू सो जा इधर ही, मैंने अपना इंतज़ाम ऊपर कर लिया। मैंने यहाँ पे एक बेड भी लगा दिया ताकि कोई भी विलेजर, या फिर पिछले बार क्या दिखा रहा था यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक ये था जॉम्बी, तो मेरे को वो दिखा रहे थे कि नियर आप, आई मीन आपके पास में कहीं तो भी मॉन्स्टर्स है तो आप सो नहीं सकते। तो मैंने नीचे का बेड तोड़ दिया, ऊपर लगा दिया और सो गया। इसके हाइट भी ज़्यादा है इसलिए मैं आराम से सो पाऊँगा। तो मैं आसपास गया था, मैं पूरे चारों तरफ घूम के आया। मैंने बहुत सारे मॉब्स को भी मारा, ये तो मैं पिछली बार भी दिखा चुका हूँ, पर मैंने दूसरी बार भी गया था और दूसरी बार भी मार के लाया। ये मैंने कुछ बेनर फॉर्थोफॉर्ट्स ब्लास्ट, ये कौन सी पीरसिंग, क्या नाम है उसका, मेंडिंग, वो भी थी पहले से ही, शार्पनेस 1, फेदर फॉलिंग 1, ये सब बुक्स जो है वो एनचेंट करवा लिए। मैं जब 208 लेवल होने वाली थी ना, तो मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे इसमें खाना रखा था ना चेस्ट में, तो वो खाने के लिए आया। मैंने जैसे ऊपर दबाया ऐसे, वहाँ पे यहाँ पे गोलम घूम रहा था, गोलम ने मेरे को मार दिया और मैं फिर से 180 की लेवल पे चला गया।
तो कुछ नहीं हुआ मेरे को, आई मीन मेरे को सिर्फ बाद में कितने लगे 208 लेवल करनी थी ना मेरे को, 180 तो वैसे भी हो गई थी उसने मारने के बाद भी। मुझे ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। और यहाँ पे एक रुको बाहर जाके दिखाता हूँ, ये भी मेरा यहाँ तक पहुँच गया ग्रीन वाली आइडिया। अरे कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट की थी, कहाँ गई, हाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी, ऊपर से मेरे यहाँ की एक डर्ट भी टूट गई थी जो ग्रीन थी, मैंने फिर से लगाई और आज वो वहाँ तक है। हाँ तो यहाँ पे कहीं तो भी एक ये आया था ड्रोनेड, एक हाथ में ट्राइडेंट था, मैंने वीडियो निकाला उसका, चाहे तो आप देखना है तो देख लो, मैं पहले वीडियो ही प्ले कर देता हूँ, पहले वीडियो देख लो। मैंने वीडियो शूट किया है ना, हाँ किया है, पहले देख लो वीडियो। देख ली वीडियो, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो वो दो एक हाथ में शेल और एक हाथ में ट्राइडेंट लेके आया था, मैंने एक्सेप्ट करके किया था कि मेरे को, मैंने एक्सेप्ट करके सॉरी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे को ट्राइडेंट मिलेगा पर नहीं मिला। मैं कुछ कुछ वर्ड्स ना भूल जाता हूँ, मैंने ऐसे सीड लगा रहा हूँ और आपने आप बड़े होते जा रहे हो। कुछ लोगों ने बोला, आई मीन कमेंट्स में, ये देखो ये फिर से वैसे ही हो गया, तो भी ग्लिच है शायद से, ये देखो ये भी वैसे हो गया, कुछ तो हो रहा है। मेरे लिए अच्छा है, ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता। एक था कमेंट था द मॉन्स्टर बॉय नाम का, उसने बोला कि तेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैंने उसको कमेंट करके भी बोला, मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ मेरी वीडियो क्वालिटी क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं मोबाइल में खेलता हूँ, मेरे पास कोई प्रॉपर कंप्यूटर या पीसी नहीं है। मैं जल्दी लेने वाला हूँ कंप्यूटर या पीसी, और पीसी सॉरी, तो मैं जब लूँगा तब उसमें बहुत सारे क्लियरिटी वगैरह बढ़ाने के ये होते फीचर्स या फिर सॉफ्टवेयर्स, वो मैं यूज करके अपनी क्लियरिटी आराम से बढ़ा सकता हूँ। तभी मैं वीडियो की क्लियरिटी बढ़ा सकता हूँ। मैं जब वीडियो शूट करने के लिए बैठता हूँ ना, तो वीडियो शूट होने के बाद कम से कम 1.5 से 2 GB तक की हो जाती है, और इतने MB नहीं है मेरे पास, मेरे को दिन की मिलती है सिर्फ 1.5 GB, वो बाकी के मेरे क्लासेस में यूज़ करनी पड़ती है, तो मैं उतनी अगर यूज कर दूंगा एक वीडियो को अपलोड के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए डायरेक्ट ऐसे वीडियो लेता हूँ, आई मीन शूट करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। बिल्ली रानी कितना क्यूट बच्चा है,
अरे यार शिट, मेरे पास ये भी नहीं। बाय, मैं आसपास जाके ना कॉर्ड्स लेके आने वाला, कॉर्ड्स या फिर सैलम सैलमोन, नहीं सैलम सैलम सैलमोन नहीं। तो कुछ एक्सपी इकट्ठा कर लेता हूँ, नहीं एक्सपी मैं आने के बाद ही करूँगा, अगर मर वर गया तो सीन हो जाएगा। ये रहा एक, यहाँ पे ना कभी कभी ये बोट मेरे को बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि क्या होता है अगर ज़ॉम्बी वगैरह मेरी, कभी कभी क्या होता है मेरी जो हंगर की लेवल है ना वो एकदम से एक दो पे आ जाती है, हार्ड मोड पे खेल रहा हूँ ना इसलिए। तो क्या होता है कभी कभी ना यहाँ से ना ड्रोन, या रात को, रात की बात कर रहा हूँ, ड्रोन या फिर हस्क यहाँ से सामने से आते हैं और मैं यहाँ पे कभी कभी खड़ा रहता हूँ। मेरे साथ ये 3 टाइम हो चुका है और ये बोट यहाँ पे रहती है, ये जो बोट है ना यहाँ पे रहती है। तो मैं जैसे ही पीछे पीछे जाता हूँ ना वो जॉम्बी वगैरह यहाँ से आते हैं ना, यहाँ पे ऊपर आने के लिए जगह है यहाँ से, तो ये आके अचानक से बोट पे बैठ जाते हैं, फिर मैं इनको मार के एक्सपी और फ्लैश ले लेता हूँ। मेरे को बोट बहुत फ़ायदा देती है। मैं सोच रहा था कि मैं नेदर में जाऊं, तो मैं नेदर में जाने से पहले है ना कुछ तो करना चाहता था, पोर्शन तो बना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास नेदर क्वार्ट्स नहीं है, जो कि मुझे जल्दी मिलने वाले भी नहीं है। ये मैं एक बॉटल भर लेता हूँ, इसमें डाली, इसके स्प्लैश पोर्शन बनाऊंगा। अरे यार मैं भी ना, मेरे पास ये कहाँ पे ब्लेज, ब्लेज रॉड भी तो चाहिए, मुझे लगा सिर्फ रख दूंगा तो हो जाएगा। मैं भी तो ऐसे ही जाना पड़ेगा मेरे को नेदर के अंदर। मैं ये नहीं लेके जा रहा, कोई इसको भी तो बेचना है। मैं इनफाइनाइट पावर पंच, पंच लेके जाता हूँ पंच, अरे यार इन्फिनिटी लेके जाता हूँ यार, पंच का कुछ बता नहीं सकते। हाँ फायर एक्सेप्ट है क्या, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन एक्वा इन्फिनिटी, चड्डी मिल गई, बूट में है क्या ब्लास्ट वो प्रोटेक्शन, पहले पैंट पहन लेता हूँ। ओके ये इतनों से यार, और नहीं है क्या मेरे पास, सच में कुछ इसमें मिलेंगे। वेल मैंने ये कहाँ पे रखा है मेरे, मैंने सिर्फ एन्चेंटेड लेके आ गया था वहाँ से, मैंने वहाँ का पूरा खाली नहीं किया है। मैं सबसे पहले सो जाऊँगा, रात भी बहुत हो चुकी है। बाहर ज़ॉम्बीज भी घूम रहे, सरक जाओ, पहले मुझे भागने दो। ओके कोई नहीं, ये कौन सी ब्लास्ट फायर, ओके फायर की मिल गई। मैं एक्चुअली ना 2 शील्ड लेके जाता हूँ, और क्या लेके जाऊँ, स्वॉर्ड तो वहाँ पे कुछ काम में नहीं आएगा यार। मेरे पास पैंट नहीं है क्या यार, को कंबाइन में तो करना पड़ेगा, उसके लिए लेवल भी चाहिए होंगी। मर जा, अरे अरे मेरे को ना यहाँ से ये उठाई पैंट, ये उठाई पैंट, और कुछ नहीं चाहिए, नहीं ये नहीं रखना है।
केक बन गई और फिर ये दोनों मिलके कंबाइन होके बन जाएंगे आराम से। ये भी ले लेता हूँ, उसकी भी लेवल बहुत कम है। जो एक नहीं समझता ये इतने कम ये वाले क्यों पहन के आते हैं, आई मीन कम लेवल वाले, मैं इनको मार तो दूँ, एक्सपी भी बढ़ जाएगी। तो ये बन गए मेरे चेस्ट प्लेट और ये कितना मस्त दिख रहा हूँ ना। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ नेदर में। मैं सोच रहा हूँ वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँ, अगले एपिसोड में मैं नेदर में जाऊँगा। सो बाय गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। अगर अगला वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना पड़ेगा।